वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबीताज ग्रीन प्लैनेट। फ्रेंड्स, आप ये देख ही रहे होंगे, ये है लेडी पाम और बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इंडोर मींस सेमी शेड का प्लांट है। और ये देखिए, मेरा जो प्लांट है वो एकदम हेल्दी है और इसकी जो नई लीव्स हैं वो देखिए निकलनी शुरू हो गई हैं, नए नए पत्ते। एक ये अभी निकला है और ये निकलने वाला है, ये देखिए ये खुल जाएगा 2-3 दिन में। तो इस प्लांट्स को देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि ये काफ़ी हेल्दी लग रहा है। और ये रखा कहाँ गया है, ये सिर्फ सेमी शेड में रखा गया है। इसको जो धूप है वो नहीं मिलती है बिल्कुल भी, इसको 1 घंटे की भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है। इसी वजह से ये बिल्कुल उसमें रहता है, अंधेरे में नहीं, सेमी शेड में रहता है। अंधेरे में तो कोई भी प्लांट नहीं चलेगा। इसके आप कलर देख सकते हैं, कलर भी बहुत ही प्यारा आया हुआ है, ये डार्क ग्रीन है। और जो नए लीव्स आए हैं ये देखिए एकदम ग्रीन, लश ग्रीन आए हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से चलने वाला प्लांट है ये। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो इस प्लांट को ज़रूर लेकर आइए, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और ये देखिए, मैं सिर्फ एक ही प्लांट लेकर आई थी और उससे ये देखिए कितने सारे प्लांट आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे प्लांट बन गए, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, एक ये है, एक ये है। और नीचे से देखिए अभी और भी प्लांट्स बन रहे हैं, जैसे ये देखिए नया आ गया है, एक इधर आ रहा है नया, एक इधर आ रहा है। तो बहुत सारे प्लांट्स नीचे से निकल कर आएंगे और इसमें से आप सेपरेट भी कर सकते हो, आप अलग अलग प्लांट्स बना सकते हो। तो एक बार के इन्वेस्ट करने पर आपको खूब सारे प्लांट्स मिल जाएंगे और बिना देख रेख के किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे कोई पेस्ट वगैरह भी इस पर नहीं लगता है कुछ भी, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जैसे और सारे प्लांट्स को मैं देती हूँ NPK या फिर जो किचन वेस्ट का सूप होता है वो मैं दे देती हूँ। जो खाने वाली चीज़ नहीं होती है, जिन्हें हम नहीं खाते केवल देखने के लिए, उनमें मैं NPK डालती हूँ। बाकी जो हमारी वैसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे तुलसी है, पुदीना है या फिर कोई भी ऐसी खाने वाली चीज़ है, उनमें मैं NPK वगैरह या केमिकल कोई नहीं डालती हूँ। केवल जो लीव्स वाले प्लांट होते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनमें मैं NPK डालती हूँ, खाने की चीज़ों में नहीं डालती हूँ। तो इसमें मैं NPK डाल देती हूँ या सूप्स वगैरह डाल देती हूँ, जो किचन वेस्ट का सूप होता है वो डाल देती हूँ। और उसी से देखिए कितनी अच्छी इसकी, और खाद मैं सिर्फ इसे 1 साल में 1 ही बार देती हूँ। ये बहुत बड़े प्लांटर में लगा हुआ है, लगभग 24-25 इंच का ये प्लांटर है और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, आप लेकर ज़रूर आइए। बिगनर्स हैं, नए गार्डनर हैं तो इसको लेकर आएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। बस एक बार लाकर लगा दीजिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और खूबसूरत प्लांट है ये आपका। और फ्रेंड्स, इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो सॉइल जो होती है इसकी वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। किसी भी प्लांट को अगर हम पॉट में लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, तो उसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि जो इसका पानी है, क्योंकि इसको पानी ठहरा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ठहरा हुआ पानी तो देखिए, जो हम गमलों में लगाते हैं पौधे, उनमें किसी भी प्लांट को ठहरा हुआ पानी नहीं चाहिए, किसी भी प्लांट को। तो उसमें आप बजरी है या फिर रेत है, रिवर सैंड वगैरह जो होती है, और वो चीज़ आप मिक्स करके रखें। ये देखिए मैंने इसमें केवल रिवर सैंड और सिंपल जो गार्डन सॉइल होती है वो डाली है। इसमें मैंने कोई कोको पीट वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ यही चीज़ है। एक बार खाद देती हूँ साल में और पानी देती रहती हूँ इसको। पानी से इसको जो शावर है इसको वो बहुत पसंद है। ह्यूमिडिटी वाला प्लांट है, जिसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ह्यूमिडिटी मतलब ये देखिए, इसके चारों तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, इसको वही चीज़ पसंद होती है। जो भी पाम होता है, ये देखिए एरिका पाम है, ये बाहर रखा हुआ है, धूप में है, यहाँ पर धूप आ जाती है, इसके थोड़े से हिस्से पर धूप आती है, लेकिन ये भी खुश है क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट्स के साथ रखा हुआ है। लेकिन आज मैं इसे अंदर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि तेज़ धूप होगी तो इससे सहन नहीं होगी और ये भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम बहुत सारे प्लांट्स को रखते हैं तो धूप का असर थोड़ा कम होता है, और ऐसे प्लांट जो होते हैं इंडोर प्लांट जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनको ह्यूमिडिटी पसंद होती है और पानी का जो शावर होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको। पानी का शावर डेली आप पाइप लेके या शावर जो होता है वो लेके, वो उससे आप पूरे प्लांट को नहला दीजिए, और एक तो इनकी क्लीनिंग भी हो जाती है, क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं हमारे वो सारे क्लीन होने चाहिए, क्लीन भी हो जाते हैं और इनको जो चाहिए वो भी इन्हें मिल जाता है। तो बस इसकी नीड यही होती है और कुछ नहीं होती है। बस इस प्लांट को आप लेकर जरूर आइए, नहीं लेकर आए तो ये आपको नर्सरी में आई थिंक
छोटा प्लांट होगा तो 150 का मिल जाएगा, नहीं तो 250 का मिल जाएगा, ऐसे ही करके कुछ 150 से और 250 तक के बीच का ये प्लांट आपको मिलेगा। वो प्लांट पर निर्भर करता है कि ये कितना एज का है, थोड़ा बड़ा होता है तो महंगा मिलता है, थोड़ा छोटा होता है तो सस्ता मिल जाता है। बट आप लेकर ज़रूर आइए, आपको लगाएंगे इसे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे लगाकर। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।